और फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों का नाम, वो भी ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाए और याद भी हो जाए। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, बिना नज़र हटाए, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है, ट्रिक को याद रखेंगे तो बाकी बात आपका काम आसानी से हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल का साथ नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो यहाँ पे मिलता रहेगा, जीके ट्रिक सब, ठीक है। आपको साइंस का भी क्वेश्चन मिलेगा, करेंट अफेयर्स का भी जो है मिलेगा, साथ में आपको मैथ का और रीजनिंग का भी मिलता रहेगा। तो आप जो है मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना देरी किए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ट्रिक क्या है, ट्रिक को पहले समझते हैं तब आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ट्रिक दिया है मैंने, यानी कि एक ही ट्रिक है। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बना रखा है, जो जो भी ब्लैक में लिखा गया है फ्रेंड्स, तो ब्लैक वाले को याद नहीं रखना है, बस इसको जो है एक सेंटेंस बनाने में हेल्प लिया गया है, ताकि सेंटेंस जो है पूरा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे और याद भी रहे। तो क्या है सेंटेंस, चलिए देखते हैं, पढ़ के सुनाते हैं आपको। यहाँ पे आपको लिखा है एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। बस इतना सा याद रखना है फ्रेंड्स कि एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि रेखा का जो विलय हुआ फ्रेंड्स एमपी की गोद में कब हुआ, ठीक है। ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यही आपको याद रखना है कि एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। आपको मुख्य रूप से याद क्या रखना है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, ठीक है। एमपी याद रखना है, गोद याद रखना है, रेखा का क ब विलय, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, बस इसको आप याद रखोगे तो सारा नदी का नाम आपको जो है पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें छिपा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या छिपा हुआ है। पहला आपका क्या है, यहाँ पे एमपी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए पहले एमपी से देख लेते हैं। एमपी से हो गया आपका यहाँ पे एम से हो गया आपका महानदी। एम का पहला एम का क्या हो गया, महानदी। फिर आपका सेकेंड है पी, ठीक है। पी से हो गया आपका पेन्नार। पी से क्या हो गया आपका, पेन्नार। पी से हो गया आपका पेन्नार, ठीक है। तो पेन्नार नदी हो गया, पहला हो गया एम से हो गया महानदी, अब पी से हो गया आपका पेन्नार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पे गोद, फिर है रेखा, फिर का क व विलय, यानी कि एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट आपके यहाँ पे गोद और रेखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोद से हो गया आपका गोदावरी, गोद से क्या हो गया आपका, गोदावरी और गंगा। गोद से क्या हो गया आपका, गोदावरी और गंगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि गोद से हो गया आपका गोदावरी और गंगा। तो गोदावरी गंगा जो आपको जो है याद हो जाएगा, क्योंकि गोद से दोनों नाम है, तो गोदावरी गंगा, ठीक है। अगला था आपका रेखा, तो रेखा से हो गया आपका स्वर्ण रेखा। रेखा से क्या हो गया आपका, स्वर्ण रेखा। अगला था आपका का, तो का से हो गया आपका कावेरी। ये तो बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स कि सबके नाम जो स्टार्टिंग का नाम है वही लेटर है, तो आसानी से याद हो जाएगा। का तो कावेरी, गद तो गोदावरी, रेखा तो स्वर्ण रेखा, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीचे। नीचे की ओर आपका क्या बचा था फ्रेंड्स, क बचा था और ब बचा था और विलय बचा था। तो क से होगा आपका कृष्णा, क से होगा कृष्णा, क से तो कृष्णा होता ही फ्रेंड्स, तो ये ईजी है। क से होगा आपका कृष्णा, ब से हो गया आपका ब्राह्मणी, ब से हो गया आपका ब्राह्मणी, ठीक है। और व से हो गया आपका विलय जो था, विलय से हो गया वेगाई, विलय से हो गया वेगाई। बस आपको शुरू का अक्षर याद रखना है फ्रेंड्स, तो उसी से आपका सारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो आपको ये ट्रिक बता दिया, ठीक है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक क्या था फ्रेंड्स, ट्रिक था आपका कि एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, तो कब विलय हुआ ये आपको याद रखना था फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है कि एमपी गोद रेखा का ब का क ब विलय, ठीक है, यानी कि एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। तो एम का मीनिंग क्या था फ्रेंड्स, महानदी। एम का याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एम से था महानदी, पी से था पेन्नार, एम से महानदी, पी से पेन्नार, ठीक है। और देखिए यहाँ से भी आपको याद करा देता हूँ फ्रेंड्स बिना देखे, गोद है, गोद से गोदावरी और गंगा, गोद से गोदावरी और गंगा, ठीक है, गोदावरी और गंगा, ठीक है, गोदावरी और गंगा। अगला क्या है फ्रेंड्स, अगला आपका का, तो का से कावेरी, का से कावेरी,
इजी है फ्रेंड्स, का से कावेरी। अगला है फ्रेंड्स आपका क, ठीक है, क, क से हो गया आपका कृष्णा, क से हो गया आपका कृष्णा। ब से हो गया आपका ब्राह्मणी, ब से हो गया आपका ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी। विलय, विलय यानी व से हो गया आपका वेगाई, ठीक है, व से हो गया आपका वेगाई। तो इस तरह से आपको याद रखना है, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। बस आपको एक दो बार अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है, और इससे क्या होगा, माइंड में सेट हो जाए। हमेशा फ्रेंड्स जो भी आप पढ़ें उसको कॉपी में जरूर एक दो बार लिखें, ताकि आपके माइंड में सेट रहे और आपको आसानी से याद भी हो जाए, ठीक है। कोई भी ट्रिक पढ़े फ्रेंड्स आप जरूर अपने कॉपी में लिखें, इससे क्या होगा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए एक बार और दोहरा देते हैं, एम पी से फटाफट करते हैं। एम पी से महानदी, पी से पेन्नार, गोद से गोदावरी और गंगा, रेखा से स्वर्ण रेखा, रेखा से स्वर्ण रेखा, का से कावेरी, का से कावेरी, क से कृष्णा, क से कृष्णा, ब से ब्राह्मणी, ब से ब्राह्मणी, विलय से वेगाई, विलय से वेगाई। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो है एक छोटा सा ट्रिक था, इसी में जो है सारा नदी का नाम छुपा था, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों का नाम इसमें छिपा हुआ था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है फ्रेंड्स। लाइक करने से क्या होता है फ्रेंड्स, उम्मीदें बढ़ती है और वीडियो अच्छी अच्छी बनाने का भी मन करता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।